नाउ क्वेश्चन करें कि 10 मेन और 15 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। बोल रहा है कि 10 व्यक्ति या 15 औरत किसी काम को 30 दिनों में कर सकती हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 15 मेन एंड 27 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। आपको बताना है कि 15 आदमी और 27 औरत उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगी। तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लीजिए। पहला तरीका हमारा ये है कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल ले। तो 10 मैन बराबर है कितने के, 15 वुमेन की। तो यहाँ से मैन बाई वुमेन निकल के आ जाएगा कार्य क्षमता इनकी। तो कार्य क्षमता इनकी निकल के आ जाएगी क्या, 3/2, यानी कि मैन की एफिशिएंसी आ गई 3 और वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2। अब यहाँ से आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, या तो आप मैन की एफिशिएंसी में रखें या फिर वुमेन की एफिशिएंसी में रखें। तो मैन मैन की एफिशिएंसी में रखता हूँ, 10 गुना 3, और कितने दिन में समाप्त कर रही है, 30 दिन में समाप्त कर रही है, तो गुना 30 कर देंगे। यहाँ से टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 30 गुना 30। टोटल वर्क हमारा निकल के आ जाएगा 30 गुना 30, या फिर आप 900 का है जो भी आपका है। इसके बाद बोल रहे हैं कि 15 पुरुष और 27 महिलाएं सेम कार्य को कितने दिनों में करेंगी। 15 पुरुष और 27 महिलाएं, तो 15 पुरुष है, 15 मैन। अब मैन की एफिशिएंसी हमारा आया है 3 गुना 3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा टोटल एफिशिएंसी, 15 आ जाएगा, ठीक है, 45 आ जाएगा। इसके बाद महिलाएं कितनी है, 27 महिलाएं हैं। एफिशिएंसी कितना है, 2 है। टोटल एफिशिएंसी कितना दी, 27 दुनिया 54। अब दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर दिया गया है या नहीं दिया गया है, तब दोनों को ऐड करेंगे कितना देगा, 99 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 गुना 30, अब बटा में क्या करेंगे, 99 कर देंगे। तो यहाँ से ये कितना जाएगा, 10 बार में ये भी 33 हो जाएगा यहाँ पर, और ये भी 10 बार में जाएगा, तो यहाँ से 11 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा कितना आया, 100/11। तो ये दोनों 15 पुरुष और 27 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 9 सही 1/11 दिन में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 9 सही 1/11 दिन में। ऑप्शन में थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ये 6 सही 1/11 है, ये 5 सही 1/11 है, ये 11 सही 1/11 है, ये 9 सही 1/11 है। तो 9 सही 1/11 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू आपको, ठीक है। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा ये है इसको करने के लिए, एंड बटा और इंटू डी बराबर टोटल जो वर्क के टाइम दिया गया है वो आप यहाँ से लिखेंगे डी। तो एंड एंड मतलब क्या है, पुरुष और महिला, ठीक है, एंड मतलब ये होगा और मतलब ये वाला चीज होगा। तो एंड क्या है, 15 है, 15/15 में पुरुष कितना है, 10 है, प्लस ये 27 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 15 महिलाएं हैं, तो बटा में 15 कर लेते हैं। दिन का हमको पता नहीं है, तो D1 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर D2 लिख देते हैं, D का पता नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ पर D2 लिख देते हैं, ठीक है, और D1 यहाँ पर लिखते हैं, D2 का पता नहीं है। और दूसरे में हमको ये दिया गया है कितना, 30 दिन हमको बताया गया, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। क्वेश्चन इसको सॉल्व कर देंगे, जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा अब इसका 30। जब एलसीएम 30 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 3 30 और 15 3 कितना जाएगा, 45 हो जाएगा। और 15 2 30 27 क्या हो जाएगा, 54। 54/30 इंटू D2 = 30, तो वही आ जाएगा यहाँ पर भी। अब तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुना 30/99 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये थोड़ा सेकेंड मेथड था, थोड़ा शॉर्ट मेथड था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।